attention, please? May I have your attention, please? Hello, ji, hello. Welcome back to another video. Welcome back to Video Mechanics. We are here in Bus Terminal, Kempegowda Bus Terminal, जो कि है Majestic के नाम से जाना जाता है. टर्मिनल वन में है हम एंड इट इज़ द सबसे बड़ा बस स्टैंड कहते हैं इसको बैंगलोर का. एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत ही बड़ा वास्ट है. टर्मिनल वन ही इतना बड़ा है, सिर्फ ये टर्मिनल वन है. पीछे अलग अलग टर्मिनल भी हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये बहुत बड़ा माना जाता है. हम जा रहे हैं आज गोवा की तरफ फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा इन अ बस, इन अ स्लीपर बस. इट इज़ अ नॉन एसी स्लीपर बस. अभी 8 बज रहे हैं तो हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है. आई एम गोना शो द होल जर्नी, कैसे एक जर्नी है, बस की जर्नी क्या है, क्या बाधाएं हैं और क्या सुख हैं इसके जाने के. बाकी सब कुछ दिखाऊंगा, क्या डिटेल्स है, कितने की टिकट हुई, कहाँ कैसे करी, वो सब भी मैं धीरे धीरे बताता रहता हूँ. तो जी अभी जाने से पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, ताकि थोड़ा सा बीच में जर्नी में इशू ना आए खाने का, क्योंकि बीच में जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही रहता है सिस्टम. हो चुकी है शुरू एंड निकल चुके हैं बस स्टैंड से. 15-10 मिनट हो गए हैं एंड वी कैन फील कि थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएगा. बाकी मज़ा आ रहा है, झटके वाला सिस्टम ओके है, झूले मिलेंगे पूरी रात. अब नेक्स्ट 13 आवर्स और 12 आवर्स आई थिंक वी हैव टू स्टे इन दिस बस एंड इट विल स्टॉप फॉर अ फूड पॉइंट, फूड जॉइंट या फूड ब्रेक बेसिकली एट 11 o'clock. मज़ा आ रहा है, झटके लग रहे हैं, इधर उधर बज रहे हैं हम जाके. और बाकी लड़कों का भी औखा लग रहा है. केतन तो सो गया, जैसे देखो यूजुअल सी चीज़ है, केतन जहाँ भी जाता है सो जाता है. गुड नाइट गाइस, मिलेंगे सुबह बीच पर. सुबह सुबह बीच पे मिलेगा लड़का. यार बीच पे ही मिलूंगा. लाइट भी बंद कर चुके हैं, लाइट भी बंद हो चुकी है और देख लो फ्लैश चलानी पड़ रही है बोलने के लिए. आई कांट सी कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू गाइस. यहाँ पे बहुत औखा सीन है. सवार चली थी 9:40 हो रहे हैं, अभी रुकेगी 11 बजे फूड के लिए, डिनर ब्रेक एंड भूख से बेहाल है केतन हमारा. अभी सो के उठा है, सोया 1.5 घंटा मजे में. ठीक है अभी तक. आपको पीछे ये हमारी खिड़की है, बहुत बढ़िया हवा आ रही है यहाँ से और बहुत झटके हैं, बहुत ज़्यादा झटके हैं. बस का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं आपको जब रुकेगी ना तब आपको दिखाता हूँ बस अंदर से कैसी है, जो ये हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब कैसा है. तो जीरो फैसिलिटीज़ है बट क्या क्या है यहाँ पे एक्चुअली में वो मैं बताता हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर जर्नी, स्लीपर बस में सबसे पहली जर्नी है, तो उसके लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम स्केयर्ड इन दिस. लेट्स सी. डिनर ब्रेक हुआ है, 11 बजे हैं, पूरे 11 बजे इनका ब्रेक हो गया है. डिनर के लिए एक होटल में रुकी है, होटल तो क्या मतलब ढाबा होटल टाइप ऐसा कुछ होगा. सो वो चलते हैं. ब्रेक हुआ है और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका सीटिंग सिस्टम कैसा है. सीटिंग ऐसी है, पूरी फुल स्लीपर बस है और ये हमारा बैग है नीचे जिसमें लोग सोते हैं और यहाँ पे साइड में पर्दा दे रखा है, साथ में एक वो है विंडो है, यहाँ पे पर्दा है सो दैट यू कैन कवर इट वाइल यू आर स्लीपिंग एंड यही है साहब. सारा 6 फुट से भी छोटी है, पूरा एक बंदा आ नहीं सकता मुझे लगता है 6 फुट का, बाकी इतना ही है. तो जी खाना आ गया, दाल तड़का गलती से निकली येलो दाल जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. 1% एक्साइटमेंट दिया. जीरो एक्साइटमेंट फॉर फूड और हमें ये डर है साथ साथ कि हमारी बस ना निकल जाए, तो थोड़ा सा
हम बड़ा फूक फूक के खा रहे हैं खाना भी। बहुत मिर्ची है यार, मिर्ची नहीं खाई जा रही है। भैया यहाँ पे मिले हैं जो वेटर का काम करते हैं यहाँ पे, ये हाय बोल रहे हैं। तो ये असम से है, यहाँ पे असम से बैंगलोर वाली साइड यहाँ पे काम कर रहे हैं कर्नाटका में। कितना टाइम हो गया आपको? 6 साल से काम कर रहे हैं। कैसा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इन्होंने वीडियो मैकेनिक का नाम पूछा और ही विल सी द वीडियो लेटर, आपको भी इंक्लूड करूंगा मैं। यहाँ पे बहुत बसें रुकती हैं और अभी तो बहुत सारी खड़ी थी पर अब बिल्कुल खाली हो गया पीछे, तो अब चलने लगे हैं, तो चलते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग अगेन विद द जर्नी नाउ आफ्टर द डिनर, सो लेट मी शो। Stopped at another point here for a loo break or a food break, I don't know, but it's around 5:45 right now and अभी जो road चल रही है बहुत ही ज़्यादा rough and tough road है, ऊपर नीचे इधर उधर झटके बहुत ज़्यादा, कमर की ऐसी तैसी फिर चुकी है कि ऊपर नीचे इधर उधर बहुत ज़्यादा इशू है। और मतलब रोड ही ऐसी है, सिंगल लेन रोड है, आपको दिखाता हूँ अभी बाहर निकला हूँ जैसे मैं। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड पंजिम बस टर्मिनल, बस स्टैंड पहुंच गया पंजिम के। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बड़े खज्जल हुए पड़े हैं क्योंकि रात भर बड़ा अजीब सा सोए हम। बाकी तो अच्छा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आए हैं गर्मी वाली जगह पे, प्रॉपर गर्मी है यहाँ पे, गोवा फील हो रहा है। और अब निकलने लगे मापसा की तरफ, तो सीधा डायरेक्ट आपको उधर ही लेके चलता हूँ मैं। जी पहुंच गए फाइनली राजदीप रेजिडेंसी, पीछे चेक करो मापसा में आ गए हैं और मज़ा आ गया आके। तो यहाँ रेस्ट करके तैयार होने के बाद अब हम जाने लगे हैं बाहर, थोड़ा ऑफिस का भी काम था वो भी किया, एंड आफ्टर हैविंग लंच वी आर गोइंग आउट टू सम बीच एंड तैयार हो गए हैं सोटा एंड मायसेल्फ, जाने लगे हैं बस। शर्मा जाता है लड़का ही। बहुत शॉर्ट्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, सार्थक ने ले लिया जी एक शर्ट, बहुत ही प्यारी शर्ट, कैसी लग रही है कमेंट्स में बताओ फटाफट। बर्थडे विश किया था वैसे बताओ कैसी लग रही है शर्ट। मैक्स फैशन के बाद हम आ गए हैं जी बागा बीच पे, टीटोस लेन में घूम रहे हैं अभी इस टाइम। छोटे हाउ व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन? बहुत अभी माहौल अच्छा है, कुछ देख रहे हैं इधर उधर चीज़ें और क्या। बहुत बढ़िया माहौल है अभी, दिन मतलब सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, तो सनसेट के लिए हम जा रहे हैं बीच की तरफ एंड माहौल इतना टॉप का, इतना ज़्यादा सेक्सी, मज़ा आ गया देख के। हाँ जी फाइनली एट बागा बीच, बीच के अंदर एंटर कर गए हैं, इतना बढ़िया वाइब क्या अब मतलब। अच्छा तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अभी मिट्टी में पैर दलते ही ऐसा फील हुआ, ऐसा मतलब तो एक साल पुरानी जो वाइब्स हैं वो सारी की सारी वापस, जो मेमोरीज हैं वो सारी वापस, और इतना प्यारा लग रहा है ना सामने बीच आके। क्यों लग रहा है? अच्छा तेरा लग रहा है भाई, क्या माहौल है, क्या लगता है कि लाइफ कंप्लीट होती है अब थोड़ी सी। आई तो लव इट वापस, एक साल बाद आने के बाद मित्तल अभी गया अभी वापस आ गया, पर माहौल सच्ची बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। सही, यही था जी व्लॉग सारा बैंगलोर से गोवा का, जिसमें हमने दिखाया कि बैंगलोर से गोवा की जर्नी क्या थी, बस में कैसे ट्रैवल किया, कैसा था बस का सफ़र, और यहाँ पे आके पहले दिन क्या किया। बाकी अभी बागा के बाद हम घर आ गए हैं, घर के बाद अब देखते हैं शायद यहीं पे आसपास क्रिसमस का कुछ देखने जाएं। आई विल बी एंडिंग इट हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। देखते रहिए और शेयर करते रहिए ऐसी वीडियोज़ को और चैनल को, बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत अच्छा लगेगा अगर यहीं तक देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं आगे।
We'll be right back.